बहुत ही अच्छी लग रही है, बहुत ज्यादा इतना बढ़िया व्यू आ रहा है ऊपर से। तो मैंने शूट ही नहीं कर पाया, तो फिलहाल मैं रात को, वैसे तो मैंने दिखा दिया और भी मैं रात को दिखाऊंगी अच्छे से। चुपकी लगाने वाला है, 1 2 3 वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना। हाय, आज आवाज नहीं आ रही तुम लोगों की। तो मेरे को अपना जो ड्रेस है तो उसका कुछ मतलब ऊपर का जो ब्लाउज बोलते हैं, हाँ, तो वो उसका कपड़ा लेकर आना है, क्योंकि नीचे का जो स्कर्ट है वो तो पूरा रेडी है, ऊपर बनवाना पड़ेगा। तो मुझे उसका कपड़ा लेकर आना है और भाई मुझे पैसे देंगे, तो भाई गए हैं अभी होम ट्यूशन देने के लिए, और जब वो आएंगे उसके बाद मैं जाऊंगी मार्केट मम्मा के साथ। रात में लाइटिंग नहीं दिखा पाई थी आपको, ये वाली और जो ऊपर भी लग रही है वो वाली भी, वो मैं नहीं दिखा पाई थी, तो सॉरी। बट हाँ, मैं आज पूरा पक्का दिखाऊंगी आपको। जब मैंने व्लॉग एंड कर दिया था ना गाइस, तो फिर वो ना लाइट जल गई थी, तो मैंने सोचा यार, फिर ब्लॉग एडिट होने लगा, मैंने कहा चलो छोड़ो, कल ही दिखाती हूँ मैं, कल ही दिखाऊंगी, कल रिकॉर्ड करूंगी। अति ही अच्छा लग रहा था सच में। आज दी का फंक्शन है, अभी स्टार्ट होने वाला है, कुछ फंक्शन है वो तो मेरे को नहीं मालूम, मम्मा से पूछते हैं फंक्शन को क्या बोलते हैं। आटा को मतलब फोड़ा वाला आटा, कल दी का बान है। पहले ब्लॉग में बोला था कि आज दी का बान है, बट आज नहीं है, दी का बान कल है। फोड़े वगैरह बनते हैं ना, इतना तो मुझे भी पता है। हाँ, तो सभी आंटियां वगैरह भाभी वगैरह आई हैं, क्या होगा मुझे भी नहीं मालूम, बट हाँ जो भी होगा मैं जाके नीचे रिकॉर्ड करूंगी, दिखाऊंगी आप लोगों को, आप भी इंजॉय करना। फिलहाल तो शादी की तैयारियां मस्त चल रही हैं। हम देखो कहाँ चढ़ रहे हैं, तो मम्मा जा रही है गाइस नीचे। फिलहाल छोटे पैकेट कहाँ था इसका, देखो सारा पसीना पसीना है, हट मैं तो कह रहा, बच्चे मेरे को ग्राउंड में बुला रहे हैं, तो चलते हैं फिलहाल नीचे ग्राउंड में। अंदर तो रस्म चल रही है, वो आंटी लोग वगैरह के, तो मैं क्या ही करूँगी अंदर, तो मैंने सोचा बाहर आ जाती हूँ, बच्चों के साथ मिल लेती हूँ, बच्चे मुझे बुला रहे थे। बच्चे मैं आ गई, हेलो, हाय हाय हाय, आराम से मारेगा भाई, तू तो बहुत गंदा खेल रहे हो। सो गाइस, पीछे की जो लाइटिंग है वो स्टार्ट हो गई है, अभी थोड़ा रात होगी ना तो थोड़ा कम कम, मतलब ज्यादा ज्यादा लाइटिंग दिखेगी, फिलहाल अभी थोड़ा कम कम दिख रही है। नाम क्या भूल जाते हैं, प्रिंस प्रिंस। तो गाइस देखो, ये गोल्ड की चैन लेकर मेरे बॉल मार, बहुत ही अच्छी लग रही है, बहुत ज्यादा यहाँ पे ये बहुत ज्यादा अच्छी लग रही है, ये पूरा अंदर यहाँ है ना, यहाँ पे लाइटिंग मारेगी, देखो मेरे फेस पर मार रही है हल्की हल्की लाइट। और पीछे दी का फंक्शन है, हल्दी मेहंदी, तो ये तब स्टार्ट होगा गाइस। ये चीनू है ना, ये भी डांस करेगा पूरा, और अब मैं दिखाती हूँ पूरा अच्छे से लाइटिंग। देखो एक तो ये वाली है और एक ये वाली है, देखो इसकी लाइटिंग ना यहाँ पे आ रही है। अंकल अभी कर रहे हैं, ऊपर भी है। हाँ, मैं अपना व्लॉग बना रही हूँ, आज ये ऊपर से आपको व्यू दिखाएगा। मैंने कभी अपना एरिया नहीं दिखाया आपको, सच बताऊँ तो ये, क्योंकि मेरी कभी इच्छा ही नहीं हुई दिखाने की। हाँ देखो, ये ना हिला देगा, मुझे पता है, पकड़ रखे हो। सो गाइस, हम आ चुके हैं छत पे, छत पे जो मजा आ रहा है ना, यहाँ पर जो इतनी बढ़िया हवा आ रही है ना, उससे जो पसीने आ रहे थे ना वो पूरा सूख चुका है, दिखता है। अंकल जी दिखा रहा है, अंकल जी व्लॉग बना रहा है। सो गाइस, यहाँ लग रही है लाइटिंग। सो गाइस देखो नीचे का सीन, रात को तो यहाँ बिल्कुल ही चमकीला चमकीला हो जाता है। हाय, इतना बढ़िया व्यू आ रहा है ऊपर से, चलते हैं नीचे, क्योंकि अंकल भी आएंगे ना, वह काम कर रहे हैं। फिलहाल गाइस मैं अपना फोन लेने के लिए दोबारा से ऊपर चढ़ी थी, नीचे चलते पानी तो ऊपर ही रह गया गाइस। हाँ पकड़ लिया, आ जा। देखो गाइस कैसे मटक मटक आ रहा है, अरे मटक मटक के चलेगी तो थोड़ी सी गिर जाएगी। हाँ देखो पूरा लाइटिंग अच्छे से लगा दिया अंकल ने, रात का जो व्यू आएगा ना बहुत अच्छा होगा। रात ये अंकल जी ने 11 बजे चलाई थी। हाँ, मैं जैसे बताया था, हो चुका था कि जब ये लाइटिंग मतलब स्टार्ट हुई थी, तो मैंने अपना व्लॉग एंड कर दिया था और भाई व्लॉग एडिट कर रहे थे, तो मैंने शूट ही नहीं कर पाया, तो फिलहाल मैं रात को, वैसे तो मैंने दिखा दिया और भी मैं रात को दिखाऊंगी अच्छे से। धप्पा मार दिया किसी को भी, रैप्ट वाला तो हमेशा उल्टा ही बताया था उन्होंने। मम्मा क्या फंक्शन हुआ था, मम्मी स्पेशल क्या था आज? आज आज कल की तैयारी हो रही थी, आज बाहर बैठेगा तो उसकी तैयारी आज से कर रहे हैं लोग। अब जो दी है गाइस, तो उनका कल हल्दी फंक्शन है, तो आज उनकी प्रिपरेशन वगैरह हुई है, जो मतलब जो भी होता है उनका। कल मेन फंक्शन है गाइस, तो कल का व्लॉग बहुत ज्यादा अच्छा होगा, कल
पूरा व्लॉग देखना। आई एम वेरी एक्साइटेड कल के लिए। गाइस नीचे प्रसाद में मिला था पताशु, देखो एक पताशा बचा वो भी मम्मा ने ले लिया। सो गाइस मैं जा रहा हूँ छिपके बनाने के लिए, ऊपर ड्रम जो भर रखा है ना उसमें ऊपर से डुबकी मार दो। फिलहाल रात हो गई है तो अब मैं पूरा बाहर से गेट से पूरा छत का दिखाती हूँ। ये है बाहर से स्टार्ट। हाँ क्या चिन्नु बोला है? चिन्नु मेरी दीदी की शादी में जरूर जरूर आना। फिलहाल मैं आई हूँ छत पे और छत को से देखो पीछे का देखो कितना सुंदर लग रहा है। ये जो टप है ये पूरा पानी से भरा है, इसलिए शादी वगैरह का घर है तो पानी से कमी नहीं होनी चाहिए। तो फिलहाल गाइस आदि इसमें नहाने वाला और बहुत ज्यादा एक्साइटेड है इसमें नहाने के लिए। किस तरह से जा रहा है, किस तरह से जा रहा है? ओहो चढ़ा भी नहीं जा रहा तुझसे तो मना कर रही हूँ आदि से, क्योंकि यहाँ पे सारी देखो लाइटिंग वगैरह हो रही है, पता नहीं किसमें कटो। आदि फाइनली इसमें नहा, इसमें बैठ गया, अंदर हो अंदर हो। डुबकी लगाने वाला है, 1 2 3 नीचे। क्या कर रहा है पागल पंती? तो गाइस फाइनली मैंने आपको सारा दिखा दिया है, लाइटिंग वगैरह टोटल। तो फिलहाल गाइस मैं जा रही हूँ कुछ सामान लेने के लिए बाहर, तो व्लॉग यहाँ पे एंड करते हैं। आई होप ये व्लॉग आपको पसंद आया, पसंद आया तो करना लाइक कमेंट शेयर, मेरे चैनल को करना सब्सक्राइब। मिलता है बहुत जल्दी एक अच्छे से व्लॉग में, तब तक दिए बाय, गुड नाइट, टेक केयर। और हाँ कल के व्लॉग बहुत अच्छा होगा तो उसको वेट करें। बाय।